उपस्थित सभी साथी, सीपीआई के सारे पदाधिकारी, ऑफिस साहब, साथी कन्हैया और आप तमाम लोग जो किशनगंज के कोने कोने से आए, बिहार से आए, आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम और इंकलाब जिंदाबाद पेश करता हूं। और किशनगंज और पूरे बिहार की बहनें और माताओं को बिहार के ही अंदाज में मेरा गोर लागी पेश करता हूं। साथियों, सबसे पहले तो मेरे पहले के सारे वक्ताओं ने बताया और पिछले 3-4 साल से लगातार हम सभी लोग एक मत होकर एक सुर पे ये बात को कह रहे हैं कि ये मुल्क स्वतंत्रता से लेके अब तक इस वक्त सबसे खतरनाक दौर से गुजर रहा है, सबसे संकट की मुसीबत की घड़ी में से हम लोग गुजर रहे हैं। लेकिन सबसे पहली बात ये करना चाहूंगा, कल एक और गुजराती बिहार की धरती पर आया था, झूठ का सहिंसा सा बिहार की धरती पर आया था। मैं कभी कभी मेरे भाषणों में कहता हूं कि गुजरात की धरती बड़ी कमाल की है, वहां पर सत्य के प्रयोग करने वाले गांधी भी दिए और झूठ के प्रयोग करने वाले मोदी भी दिए। तो कल वो झूठा गुजराती आया था, अपना सीना कितना चौड़ा है, 56 इंच का है, उसको लेकर बहुत सी डींगे मारी, बड़ी बड़ी बातें करने में चैंपियन है वो आदमी। लेकिन जो अपने आप को 56 इंच के सीने वाला राष्ट्रभक्त बताते हैं, वो 56 इंच के सीने वाला राष्ट्रभक्त हमारे बिहार के बेगूसराय के इस जवान के महान बलिदान को लेकर श्रद्धांजलि के दो शब्द बोलने को तैयार नहीं और चुनावी भाषण करके, झूठ बोल के, जुमलेबाजी करके दिल्ली वापस चला गया। लेकिन जो लोग कन्हैया कुमार को राष्ट्रद्रोही बताते हैं, उस कन्हैया कुमार ने कोई चुनावी भाषण करने के बजाय अपना हाथ सीने पे रखकर इस देश के लिए बलिदान देने वाले पिंटू कुमार को श्रद्धा सुमन समर्पित किए। ये अंतर है असली राष्ट्रभक्त और झूठे जुमलेबाज, धोखेबाज, फरेब करने वाले नकली राष्ट्रभक्त के बीच का। यह अंतर बिहार को समझना है और इसीलिए मैं तो कहता हूं कि बिहार की धरती को कर्पूरी ठाकुर की विरासत चाहिए, गोलकर और सावरकर की नहीं। बिहार की धरती को मोदी और अमित शाह नहीं, साथी कन्हैया कुमार की जरूरत है। आज साथियों, पुलवामा की जो घटना हुई, पूरा देश उससे आहत है। इस मुल्क के हर एक जिले के हर एक कोने में, गांव गांव में, हर एक नगर के मोहल्ले में लोग इस बात को लेकर चिंतित है कि आखिर यह मुल्क कौन सी दिशा में जाएगा। कुछ चैनल के पत्रकार
अपनी प्रोडक्ट की बिक्री के लिए अपनी टीआरपी के चक्कर में युद्ध का उन्माद फैलाने में लगे हैं। और तभी बिहार की धरती का वो लाल, वो सपूत जिसका नाम रवीश कुमार है, वो रवीश कुमार कहते हैं कि हो सके तो 2 महीने के लिए कृपया टीवी को फोड़ दो, चैनलों को बंद कर दो। कौन ये कह रहा है? रवीश कुमार कर रहे हैं। वो तो पत्रकार है, एक निष्पक्ष इंसाफ पसंद पत्रकार है, झूठ नहीं बोलते इस झूठे की तरह। उन्होंने कहा जो लोग उन्हीं की तरह पत्रकार है, अखबार में है, चैनलों में है, उनको कहा कि अपनी वाणी में संयम रखो, अभी मुल्क की हालत ठीक नहीं। पिंटू सिंह और 40 से ज्यादा जो भी जवान हमारे मारे गए, उनके बलिदान को मैं सलाम करता हूं, उनको दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और यह भी कहना चाहता हूं इस मुल्क की 130 करोड़ जनता को कि मेरी तरह जो लोग विधायक बने हैं, जो लोग सांसद बने हैं, जो टीवी चैनलों के एंकर बने हैं, जो अदानी और अंबानी जैसे परिवार से आते हैं, वो 1% लोग जिनके पास इस मुल्क की 73% प्रॉपर्टी चली गई, ये नेता, सांसद, मंत्री, इन लोग के परिवार में से कोई सरहद पर जाने वाला नहीं। सरहद के दोनों तरफ जो पकौड़े बेचते हैं, जो 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते हैं, जो किसान और मजदूर है, सरहद के दोनों तरफ उन्हीं के बेटे गोली खाने के लिए जाते हैं। और इसीलिए सारे शहीदों के बलिदान को श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ साथ इस बात को ठोस तरीके से रखना चाहता हूं कि हम में एक साथ बैठे, एक मंच पर आए और आतंकवाद को खत्म करने का ठोस मसौदा तैयार करें। न हमको आतंकवाद चाहिए, न हमको जातिवाद चाहिए, न हमको कौमवाद चाहिए, न हमको हिंदू मुसलमान के दंगे चाहिए, न हमको किसी भी प्रकार, किसी भी स्वरूप की हिंसा चाहिए। हमको ये चाहिए कि इस वक्त इस मुल्क में 80 करोड़ लोग, कितने 80 करोड़ लोग इस मुल्क में इस वक्त रोज के 20 रुपये में गुजारा करते हैं, उनके पेट में रोटी चाहिए। 40 करोड़ लोग ऐसे हैं रहने के लिए जिनके सर के ऊपर छत नहीं है, चाहे अहमदाबाद हो या पटना हो, निर्माण मजदूर जिनके खून और पसीने से बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती है, गुजरात की जिस विधानसभा में बैठता हूं वो विधानसभा का मकान बनता है या हमारी पार्लियामेंट बनती है, उन निर्माण मजदूरों के सर के ऊपर भी इस मुल्क में छत नहीं। तो साथियों, जितना चुनाव नजदीक आएगा, मोदी जी की आंख के आंसू से भी बहना चालू होंगे। जितना चुनाव नजदीक आएगा, भाई को दूसरे भाई के साथ लड़ाने के व्हाट्सएप के मैसेज फैलाए जाएंगे। जितना चुनाव नजदीक आएगा, बात सिर्फ और सिर्फ भारत बनाम पाकिस्तान, मंदिर बनाम मस्जिद की होगी। और तब हमको कहना है कि हम हमारे मूल के संविधान में यकीन रखते हैं, संविधान ही हमारा धर्म है। और हमारा संविधान कहता है कि हमको एक धर्मनिरपेक्ष समाजवादी लोकतंत्र चाहिए।
आज साथियों 20 22 लाख करोड़ हमारा बजट रहता है, 20 22 लाख करोड़, और दूसरी तरफ ये 80 करोड़ लोगों के लिए खाने के पास पैसा नहीं। प्रधानमंत्री कितनी भी बड़ी बड़ी बात करे, लेकिन हम सारे युवा लोग जानते हैं उनको कुछ आता नहीं, न किसानों की आत्महत्या रुकी, न महंगाई कम हुआ, न भ्रष्टाचार कम हुआ, न 2 करोड़ युवा को रोजगार मिला। सही बात है ना? इसी मुद्दे के ऊपर हमको हमारी बात रखनी है। वो करेंगे बात मंदिर और मस्जिद की, हम करेंगे बात किसानों की आत्महत्या की, बेरोजगारी की, भ्रष्टाचार की, रफाल के सौदे की। जिग्नेश भैया जिंदाबाद। स्वतंत्र भारत के इतिहास में ये एकलौता ऐसा प्रधानमंत्री है जीवन में कभी सुसाइड करने वाले, आत्महत्या करने वाले एक भी किसान के परिवार की मुलाकात तक नहीं ली उसने। एकलौता प्रधानमंत्री। अरे आपको सचमुच बलिदान देने वाले, शहादत देने वाले इन जवानों के साथ कुछ भी लेना देना होता तो कल आपके मुंह से पिंटू सिंह के लिए श्रद्धांजलि के 2 शब्द तो जरूर निकलते। सारे लोग कह रहे थे कि कुछ भी हो अभिनंदन वापस आ जाना चाहिए, और तब मोदी जी को चिंता थी 2019 के चुनाव के बूथ के मैनेजमेंट की। वो बूथ की तैयारी में लगे थे जब पूरा मुल्क ये कहता था, हिंदू मुसलमान दोनों कहता था कि कुछ भी हो जाए ये अभिनंदन की रिहाई होनी चाहिए, और तब मोदी जी लगे थे अरे अभिनंदन की रिहाई हो न हो हम तो अपने बूथ की चिंता करेंगे। ये उनका असली चरित्र है। आप आशा वर्कर है, आंगनवाड़ी की बहने हैं, आप सेना में काम करते हैं, किसान हैं, फैक्ट्री में जाते हैं, आप सबको बार बार इस गुजराती को मैं पहचानता हूं, गुजराती के नाते इसलिए कह रहा हूं, 4 साल 11 महीना विकास की बात करेगा और जब चुनाव का 1 महीना बाकी होगा तब अपनी असली औकात पे उतर आएगा। तो शायद कल राहुल गांधी ने या किसी ने कहा है कि चौकीदार ही चोर है, उसके बजाय ये बोलना चालू करिए कि देश का चौकीदार चोर है। तो साथियों, ज्यादा में कहते हुए आप सभी ने इतने प्यार से हमको यहां अपनी बात रखने के लिए बुलाया, इस बात के लिए आपका धन्यवाद, आपका शुक्रिया अदा। बिहार बार बार आएंगे और बिहार की बहनों को, माताओं को दिल से कहेंगे कि गोर लागी। वाह भैया वाह। लेकिन जाते जाते बिहार का गौरव और हमारा युवा साथी कन्हैया कुमार यदि चुनाव लड़े तो आप सभी साथियों की जिम्मेवारी है कि ये चुनाव एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी चुनाव होने वाला है। तन मन धन से चाचा ने कहा कि 15 लाख हमारे खाता में नहीं आया। सुनिए, हमको सुबह सुबह एक सपना आया 4:30 बजे, और सपने में आए हमको नीतीश जी,
तो हमने नीतीश जी को पूछा कि ये क्या हो गया भाई, थोड़ा सा उसको तो नीतीश जी धीरे से हमारे कान में कहे कि जिग्नेश भैया, बिहार में कहावत है, बंदर के हाथ में नारियल आ गया।